हेलो दोस्तों, जैसा कि आप अभी सोच रहे होंगे मैं हूँ कौन और कर क्या रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं भी एक यूट्यूबर बनना चाहता हूँ, पर दोस्तों हमेशा कोशिश करने के बावजूद भी मैं सोचता था कि आज मैं ब्लॉग बनाऊंगा, कल बनाऊंगा, बट कभी बना नहीं पाया। पर मैंने आज तय कर लिया कि मुझे आज ब्लॉग बनाना ही है, तो मैंने भी क्या दोस्तों, मैंने भी उठा लिया कैमरा और स्टार्ट करा ब्लॉग चैनल। सो दोस्तों, वेलकम टू माई फर्स्ट ब्लॉग। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये मेरा पहला ब्लॉग आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए। सो दोस्तों, अभी आप सोच रहे होंगे मैं हूँ कहाँ से, तो दोस्तों मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि मैं उत्तर प्रदेश के जिले भदोही में रहने वाला हूँ। और दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मेरा छत है, अभी हम अपने छत पे हैं, और ये मेरे छत के पीछे एक अभी तालाब है जो कि अभी बहुत बुरी तरीके से, मतलब ये इसको गढ़ाई सब बोलते हैं, यहाँ पर सारा गंदा पानी इधर का आता है। और ये मेरे घर के बगल का सारा इलाका देख सकते हैं। सो दोस्तों, अभी हमारे घर का मतलब हमारे स्टूडियो का, मैं अभी अपने स्टूडियो पे हूँ जो कि मेरे बड़े भाई का है, यहाँ पे गाना रिकॉर्डिंग होता है और सिंगर लोग आते हैं, गाना वाना रिकॉर्डिंग होता है। अभी मेरे स्टूडियो का गैस सिलेंडर ख़राब हो गया है जो कि हमें गर्म पानी पीना रहता है, तो हम गैस पर गर्म पानी करते हैं, तो अभी मेरा सिलेंडर गैस का ख़राब हो गया है और हम अभी उसे बनवाने के लिए मार्केट में जाते हैं, क्योंकि हम और बालेश्वर भाई उसे बनवाने के लिए मार्केट में जा रहे हैं। सो दोस्तों मिलते हैं। दोस्तों जैसा कि आप अभी देख सकते हैं, हमारे स्टूडियो का जो कि गैस सिलेंडर है जो कि ये खराब हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, ये खराब हो चुका है। अभी इसको हम बनवाने के लिए मार्केट में जा रहे हैं, तो देखते हैं ये कैसे बनता है और आगे हम आपको मार्केट का व्यू दिखाते हैं। तो वीडियो में ऐसे ही आगे बने रहे, हम आगे मार्केट जाके आपको मार्केट का व्यू दिखाते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी हम और बालेश्वर जा रहे हैं गैस सिलेंडर को बनवाने के लिए। अभी आगे चलते रहिए, आगे आपको मार्केट का व्यू दिखाते हैं। अभी वीडियो में आगे बने रहिए ऐसे ही। अभी हम और बालेश्वर जा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, अभी हम अपने घर की गली से बाहर निकल ही रहे हैं, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आई है और कितने बजट में ये बन जाता है। वीडियो में ऐसे ही आगे बने रहे। दोस्तों आप देख सकते हैं, ये हमारे कुछ मार्केट का कैसा माहौल है। अभी यहाँ पे दुकान उकान सब लगा लिए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं मार्केट में कुछ इस तरीके का माहौल है। जैसा कि अभी हम दुकान पहुँचने वाले हैं, तो इस गैस सिलेंडर को देखते हैं इसमें क्या कमी है, उसको हम मरम्मत कराएंगे। अभी हम दुकान के साइड पहुँचने ही वाले हैं, चलिए देखते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पे दुकान के पास हम आ ही चुके हैं, तो अभी हम अंकल से बोलते हैं कि इसमें देखते हैं क्या प्रॉब्लम है और इसको रिपेयर कराते हैं। देख सकते हैं अंकल बोल रहे हैं इसको वेल्डिंग करा लो, इसका कोई जुगाड़ नहीं है। तो अभी हम वीडियो में आगे बने रहो, देखते हैं इसको कैसे अंकल बनाते हैं।
चुका है ये देखिए एकदम। अब हम इसको घर से ले जाएंगे और अच्छे से पानी गर्म करेंगे फिर पियेंगे, ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों देखिए हमारा गैस एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से बन चुका है, जो कि इसमें 270 रुपए लगा और एकदम अच्छे तरीके से नया जैसा हो गया है। तो अभी इसको हम घर लेके चलते हैं और ये अब यूजफुल में आ गया है। पहले तो ये खराब ही तरीके से रखा हुआ था, बट अब हम इसका यूज कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तो चलिए दोस्तों अब हम आपसे घर पे मिलते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हम स्टूडियो पे आ चुके हैं और ये हमारा बन चुका है। तो चलिए अभी देखते हैं इसको पानी गर्म करके पीते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं अभी बालेश्वर ये जो पानी निकालने जा रहे हैं और पानी को गर्म करके पियेंगे। पहले इसको धुल ले रहे हैं ताकि जो भी उसमें डस्ट लगा वो क्लियर हो जाए। उसके बाद इससे पानी गर्म करके हम लोग पियेंगे। ठंडा इतनी है कि ठंडा पानी पिया नहीं जा रहा है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कैसे पानी गर्म होता है, कैसे हम लोग पीते हैं। अरे बस करो, अभी हम पानी निकाल रहे हैं, उसके बाद हम पानी को लेके जाएंगे गर्म करके पियेंगे। तब तक आप वीडियो में बने रहिए दोस्तों। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा पानी जो कि एकदम अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है और इसे बालेश्वर भाई अब पियेंगे। तो दोस्तों आज का ब्लॉग बस यहीं तक के लिए। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो। आगे और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करो चैनल को और शेयर करिए और वीडियो को इतना फैला दो कि हमें आपका प्यार दुलार मिल जाए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। कोशिश करूंगा कि अगला वीडियो आपके लिए और ज्यादा अच्छा हो। उम्मीद करूंगा कि ये भी वीडियो अच्छा ही हो। सो दोस्तों आज के ब्लॉग यहीं पे मैं खत्म करता हूँ।